नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां कुमरांग गांव के ग्रामीणों का समरिया विधायक के प्रति फूटा गुस्सा। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां लाइटमैन द्वारा रिश्वत लेने और धमकी देने का पीड़ित ने लगाया आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से है, जहां टंडवा के आम्रपाली कोल परियोजना से विस्थापित कुमरांग गांव के ग्रामीणों का सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास के ऊपर गुस्सा फूटा है, जिसको लेकर गांव के ग्रामीण और युवाओं ने विधायक के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए न सिर्फ विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया, बल्कि विधायक के रवैया से क्षुब्ध होकर विधायक का पुतला भी फूंक दिया। विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कर रहे ग्रामीण और युवाओं का आप है कि आप विधायक के चुनाव जीतने के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी विधायक के द्वारा आम्रपाली परियोजना से विस्थापित गांव कुमरांग की समस्याओं को नहीं उठाया गया। ग्रामीणों कहना है कि विधायक के पहल पर गांव में किसी प्रकार का भी विकास कार्य नहीं हुआ है। इसके आगे उन्होंने कहा कि विधायक ने 5 वर्षों तक लोगों को गुमराह कर केवल अपना रोटी सेका है। इस दौरान विरोध कर रहे ग्रामीणों ने विधायक किशुन दास मुर्दाबाद, विधायक परियोजना में दलाली करना बंद करो सहित अन्य नारे लगाकर विरोध जताया। आज 5 साल पूर्व या माननीय विधायक किशुन दास जी को, जिस मरिया विधानसभा विधायक है, इन्होंने आज तक पब्लिक का अधिकार का कोई काम नहीं किए। आम्रपाली खोले हुए 12 साल हो गया है और विधायक बने इनको 5 साल हो गया है, लेकिन 5 साल के अंदर एक दिन ग्रामीण हित का भी बात नहीं किए। यहाँ तक कि यहाँ कोलवारी से अपना रिश्वत ले जा रहे हैं, मगर यहाँ ग्रामीण के लिए एक आवाज़ भी नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण उनके पास गया, कहा कि सर हमको रोजी रोजगार दिलवाइए, लेकिन इस पर कोई ध्यान विधायक महोदय नहीं दिए। इसलिए ऐसा विधायक हम लोग को कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग लगातार आंदोलन करते आए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को हक अधिकार नहीं मिला है, और हमारे जो विधायक महोदय हैं वो सिर्फ दलाली करने का काम करते हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर एक ग्लास से है, जहाँ नगर में चल रहे श्री रामलीला पांडाल में रामलीला महोत्सव में शांति व्यवस्था कायम रहे को ध्यान में रखते हुए कोतवाली के अपराध निरीक्षक कोमल सिंह, उप निरीक्षक एवं कस्बा इंचार्ज दानवीर सिंह, कांस्टेबल केपी सिंह, कांस्टेबल सुखवीर सिंह, कांस्टेबल करमवीर सिंह आदि ने रामलीला पांडाल में पहुंचे और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुनील गुप्ता, महामंत्री विष्णु शर्मा उर्फ लाला, कोषाध्यक्ष श्यामू लाला, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत प्रेमी, उपाध्यक्ष संजय भारद्वाज आदि से पूछताछ की गई कि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की अशांति तो नहीं है, किसी तरह की गुंडई या अराजकता होती दिखाई दे तो तत्काल अवगत कराएं। इसके बाद अपराध निरीक्षक कोमल सिंह बाजार भ्रमण पर निकल गए। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां जिले के विकासखंड ही के पूरे खखर मजरे शादी पर कोटवा निवासी शिव बहादुर यादव ने बिजली विभाग के संविदा लाइनमैन कुलदीप तिवारी पर रिश्वत लेने और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार शिव बहादुर ने कुलदीप तिवारी से अपने घर का 1 किलोवाट का कनेक्शन कराने की बात की थी, जिसके लिए कुलदीप ने 15,000 रुपये की मांग की। रकम देने के बाद भी 5 दिनों तक कनेक्शन नहीं हुआ। जब शिव बहादुर ने कुलदीप से संपर्क किया तो उसने अस्थायी रूप से उनके घर की बिजली PTW 25 KV ट्रांसफार्मर से जोड़ दी। वन विभाग की अनुमति के कुछ दिन बाद कुलदीप ने शिव बहादुर के घर आकर वीडियो बनाया और FIR की धमकी दी। इसके बाद उसने और 5,000 रुपये की मांग की, जिसे डर के कारण शिव बहादुर ने फिर से दे दिया। शिव बहादुर का आरोप है कि कुलदीप तिवारी अब ना तो फोन उठा रहा है और ना ही कनेक्शन करवा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। शिव बहादुर यादव ने विद्युत अधीक्षण अभियंता से कुलदीप तिवारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्या है मामला? सर हमारा जो आओ है 20,000 रुपया लिया 3 महीना पहले, और अभी तक कौन ले लिया? कुलदीप। कौन है कुलदीप? लाइन में। कहाँ का है? चंदन कपड़ा। किस बात के लिए लिए थे? उसने कनेक्शन के बारे में। कब की घटना है ये? 3 महीना का। 3 महीने हो गए। क्या मामला है, किस वजह से आए हैं? मेरा पैसा 20,000 रुपये ले रखे हैं, मेरा काम नहीं भी कराते हैं। कौन लेके रखा है? कुलदीप तिवारी। कौन है कुलदीप तिवारी? डी पावर हाउस। कौन है वो? लाइनमैन। किस बात के लिए लिए थे? हमसे कहें तुम्हारा हम कहें कि मेरा कनेक्शन करवाना है, तो कहेंगे हमको पैसा दे दो, तो हमने 20,000 रुपये दिला दिया है, जो जिससे दिला हमारे फूफा हैं, मेरे माध्यम से पैसा जाता था, तो बोले कुछ नहीं होगा, तुम्हारी रसीद आ गई है,
तुम्हारा कनेक्शन केबल मंगा लो, जोड़वा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतनी बात हुई थी। कब की घटना है? अरे वो गए 2 महीना पहले। अभी कहाँ पे हैं? सलवन में। किसको प्रार्थना पत्र दे रहे हैं? रायबरेली से सीनियर संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है, जहां विधायक प्रतिनिधि बरकत खान तथा सांसद प्रतिनिधि शांति सरोजनी मुर्मू के द्वारा साहिबगंज जिला के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत बड़ा सोनकर पंचायत में किया गया सड़क और नाला का शिलान्यास। विधायक प्रतिनिधि बरकत खान का कहना है कि यह पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के प्रयास से सफल हुआ है, जो ग्रामीण सड़क को मुक्त सड़क से जोड़कर लोगों की परेशानी को दूर करेगी। इस मौके पर रसूल आलम, नजरुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार, प्रदीप शाह, रंजीत टूडू, विभागीय SDO संवेदक बबलू, मुखिया पति अखिल अंसारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। माननीय पूर्व मंत्री आलमगीर आलम साहब के अनुशंसा से यह सब सड़क का जो है स्वीकृति मिली है, और ये सड़क के बन जाने से यहाँ आवागमन में जो लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था, बहुत ही उन लोगों के लिए सहूलियत होगी। और ये मंत्री जी का हमेशा से प्रयास रहा था कि हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ भी जो है जो जोड़ने वाले मुख्य सड़क को जो रास्ता जोड़ने वाले उनको प्राथमिकता दिए, और ये भी एक मुख्य सड़क को ये रोड जोड़ेगा, और उम्मीद है हम लोगों को कि आने वाले दिनों में लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता गोवर्धन शाह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।